Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to yet again another episode of Gaming and Esports News Live by Sports Kira. मैं हूं टिकिया, हमारे साथ जुड़ चुके हैं सरदार जी, एंड हम आज आपको बताने वाले हैं दैट गेमिंग की इंडस्ट्री में क्या लेटेस्ट चल रहा है, क्या न्यूज आ रहे हैं, क्या रिव्यूज आ रहे हैं, क्या लीक्स आ रहे हैं, कौन से अपकमिंग टूर्नामेंट्स हैं और कौन से ऑनगोइंग टूर्नामेंट्स का क्या हाल चल रहा है, आपकी फेवरेट टीम्स कैसा परफॉर्म कर रही हैं। बट सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगा सरदार जी का। थैंक यू सो मच फॉर द वार्म इंट्रोडक्शन टकीला। आज के दिन बहुत सारी बढ़िया बढ़िया खबरें हमारे पास रहने वाली है, एक एक करके हर किसी बात करेंगे। BMPS के वीक वन खत्म होने वाला और अब आपको इसके बारे रिव्यू देंगे कि क्या चला इस पूरे के पूरे पहले वीक के अंदर। उसके बाद फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज 2022 के ऊपर भी बातें करेंगे। लीग ऑफ लेजेंड्स के अंदर यहां पे कुछ नया आपको आता दिखेगा। मोबाइल गेमिंग मार्केट किस तरीके से बूम कर रही है इसके ऊपर भी एक शॉर्ट एनालिसिस है हमारे पास। नेट इज न्यू गेम, एक नई गेम आने वाली है उसके ऊपर बातें होगी। वाइल्ड रिफ्ट की तरफ से यहां पे एक वेबसाइट ही पर्टिकुलरली लॉन्च कर दी गई है फॉर द ई स्पोर्ट्स सेक्शन। उसके बाद बीच में ई स्पोर्ट्स के अंदर कुछ रोस्टर चेंजेस की लीक्स आ रही हैं जो कि काफी हॉट टॉपिक रहता है। स्काई स्पोर्ट्स का हमने लैंड देखा जो कि सुविनियर था, काफी बढ़िया तरीके से यहां पे एक इवेंट सक्सेसफुल है। बट नाउ दे आर प्लानिंग फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट जो कि अब यहां पे हैदराबाद के अंदर हो सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करेंगे अब यहां पे कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 के बारे में। Wow, I'm definitely very excited because almost हर एक सेगमेंट से आज न्यूज रहने वाली है। बट डेफिनेटली शुरू करेंगे हमारे इंडिया के टॉप नॉच BGMI टूर्नामेंट से, दैट इज गोइंग टू बी BMPS वीक वन के डे टू और डे थ्री की बात करना चाहेंगे। बट सबसे पहले गोइंग ऑन विद डे टू, हमने देखा दैट टीम सोल ने डे वन के जैसे डे टू में भी बहुत ज्यादा दबदबा बना के रखा। टॉप टेबल पे चल रहे 123 पॉइंट्स के साथ, एंड जिसमें कि चार मैचेस में इन्होंने सेकंड डे पे सिर्फ 27 पॉइंट्स ही निकाले। फर्स्ट डे पे ही हमने देख लिया था दैट कितना ज्यादा सोल डोमिनेशन हमने होते हुए देखा था। सेकंड पे चल रहे हैं टीम OR Esports विद 98 पॉइंट्स एंड टोटल 21 फिनिशेस के साथ। जिस मैच में आई सपोज चौथा मैच था, इन्होंने एक चिकन डिनर निकाला था, दैट वाज लिटरली फिनोमिनल। एंड लाइक मतलब पूरी लॉबी को पता चल गया था दैट OR Esports तो यहां पे डेफिनेटली टेबल टॉप करने के लिए ही खेल रहे हैं। अब जी डे 3 के फिर शुरुआत होती है जहां पे आपको डे 3 के अंत के बाद सोल टॉप पे ही दिखती है 193 टोटल पॉइंट्स साथ 70 पॉइंट्स के आसपास इस दिन भी यहां पे लेके चल गए। फिर उसके बाद आपको दिखती है सेकंड पोजीशन पे OR 181 पॉइंट्स के साथ, काफी बड़े मैचेस उन्होंने खेले। लेकिन साथ के साथ हैदराबाद हाइड्रास और बिग ब्रदर इन्होंने भी काफी अच्छा क्लाइम किया थर्ड और फोर्थ पोजीशन है पहुंचने के लिए। लेकिन अब FS Esports जो कि यहां पे आपको दिख रही थी थर्ड पे विद 105 पॉइंट्स, देखना है कि वो यहां पे क्या कुछ नया करके दिखा पाएंगे नहीं, बिकॉज अभी भी फर्स्ट पोजीशन पे आने के लिए यहां पे जंग हर एक टीम की तरफ से जारी है। लेकिन इनवाइटेड टीम्स लाइक मार्कोस गेमिंग, हाइड्रा, इनको थोड़ा सा बकल अप करना पड़ेगा क्योंकि अभी के लिए यहाँ पे दिक्कतें इनके लिए भी बढ़ती दिख रही हैं। पर सदा जी आपसे पूछना चाहूंगा क्या रहने वाली है आपकी पिक्स, क्या लगता है क्या होने वाला है बाकी डेज में, क्या सोल को कोई टक्कर दे पाएगा और अगर टक्कर दे पाएगा तो वो कौन होने वाला है। गाइस बाकी आप लोग जो देख रहे हो एपिसोड आप भी कमेंट्स में लिख सकते हो, बट फिलहाल सरदार जी क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब से टॉपिक से मैं HH को गिनूंगा, मैं OR को गिनूंगा एंड आई वुड आल्सो काउंट EXO, क्योंकि EXO एक ऐसी टीम है जो कि सही टाइम पे क्लाइंब करना चाहती है। दे नो द ड्रिल कि कब हमें क्लाइंब करना है। अभी इट वाज अ टेस्टिंग ऑफ वाटर फेज जहां पे एक दिन दिया उन्होंने, अगले दिन एक बेहतरीन कमबैक किया। उसी तरीके से मुझे लग रहा है EXO कुड बी अ टीम जो कि एक बढ़िया कमबैक दे सकती है। सोल वॉरियर टॉप पे बैठी है, OR हां मेरा मार के मैचेस उनके बहुत अच्छे जाते हैं, जेली अ ग्रेट IGL, तो क्लाइम तो OR की तरफ से भी निश्चित ही आपको आता दिखेगा। एंड जब हम बात करें हैदराबाद हाइड्रास की, द रोटेशंस, द ब्यूटीफुल गन गेम्स, वो तो काबिल तारीफ होने वाली। तो ये वो तीन टीम्स होने वाली जिनको मैं पिक करता हूं जो सोल को एक बहुत ज्यादा बढ़िया टक्कर दे सकती है। ऑलराइट, सो मतलब आपके कहने का मतलब है सोल, OR, हैदराबाद हाइड्रास एंड EXO, इन चार टीमों से मतलब हमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है। बट अगर अंडरडॉग्स की बात करें सरदार जी, तो मतलब कोई अंडरडॉग टीम आपके ख्याल से जो इनको टक्कर दे सकती है? FS काफी अच्छा खेल रही है जैसे कि हमने बात करी, अभी थर्ड पोजीशन पर ही है आफ्टर डे 3 एट 105 पॉइंट्स, सो डेफिनेटली। एंड हमने देखा था दैट ऑटोबॉट्स ने भी काफी अच्छी यहां पर मेहनत करी थी, काफी अच्छा क्लाइम किया था, काफी अच्छी टक्कर दी थी, बट कहीं ना कहीं अब टेबल में थोड़ा सा नीचे जाते हुए दिखाई दिया। अगर आप अंडरडॉग्स में बात करेंगे तो अंडरडॉग्स बोलना चाहूंगा मैं, तो जिस तरीके से टीम्स यहां तक पहुंच चुके हैं एंड पिकिंग अप फ्रॉम द अंडरडॉग्स एज यू सेड FS, ऑटोबॉट्स और एक और टीम का अगर मैं नाम लूं तो वो होने वाली बिग ब्रदर ईस्पोर्ट्स, क्योंकि उनके प्लेयर जो स्क्रीम है वो भी काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से लॉबी के अंदर स्क्रीम करते दिख रहे हैं, वो भी काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पे फ्रैग्स निकाल रहे हैं। सो मुझे लगता है ये वो टॉप तीन टीमें फ्रॉम द अंडरगॉड्स रह सकती हैं जो कि यहाँ पे टक्कर दे सकती है टॉप चार्ट्स में आने के लिए। BMPS वीक वन डे फोर की बात करें तो टीम सोल अब तक अपना दबदबा बना के पॉइंट्स टेबल पे सबसे ऊपर लीड बनाकर बैठी हुई है।
226 पॉइंट्स के साथ यहां पे डोमिनेशन अभी तक रुकता हुआ हमें नहीं दिखाई दे रहा है टीम सोल के द्वारा। जबकि अगर हम बात करें टीम ओआर स्पोर्ट्स की तो सेकंड पोजीशन पे 192 पॉइंट्स के साथ दिखाई दे रही है। लास्ट मैच में चिकन डिनर लेने के बाद निग्मा गैलेक्सी हमें दिखाई दे रही है थर्ड पोजीशन पर विद अ टोटल ऑफ 156 पॉइंट्स। एंड जबकि अगर हम बात करें टीम एक्सो की जो काफी अच्छे दावेदार दिखाई दे रहे थे वो नीचे गिरते हुए हमें दिखाई देने वाले 17th पोजीशन पर। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, दैट इज गोइंग टू बी अराउंड फ्री फायर। एंड डेफिनेटली यहाँ पे हमें फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज 2022 के रिजल्ट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे थाईलैंड की टीम अटैक ऑल अराउंड जीती हुई दिखाई दे रही है। एंड सरदार जी, लुक एट द प्राइस पूल, लुक एट द ह्यूज चंक ऑफ प्राइस पूल दैट दे हैव डन, मैसिव, एग्जैक्टली $500,000, गुड लॉर्ड, बहुत बहुत ज्यादा बड़ा प्राइस पूल होता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो डिफेंडिंग चैंपियंस जो थी हमारे यहाँ पे इवोस फिनिक्स, वो उतना अच्छा यहाँ पे कमबैक नहीं कर पाए, बिकॉज जो लास्ट मैच था उसमें थोड़ा सा अर्ली एलिमिनेट हो गई थी टीम। एंड इवन कहीं ना कहीं मैनेज उन्होंने भी कर लिया $250,000 का प्राइस पूल अपने नाम पे करने का। सो ऑल पैसा तो बहुत कमा लिया टीम ने, लेकिन वही चीज है कि डिफेंड नहीं कर पाई अपनी पोजीशन। तो कितना थोड़ा सा यहाँ पे दिली तमन्ना रहती है हर एक टीम की कि वापस डिफेंड कर पाए, वो नहीं कर पाई है टीम। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप यहाँ पे। बट अटैक ऑल अराउंड जैसे कि हमने बात करी थाईलैंड से है, डिफेंडिंग चैंपियंस हमारे ईवीएस फीनिक्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और वो $250,000 यहाँ से लेकर गए हैं। एंड डेफिनेटली यूरोपियन टीम जो हमें दिखाई दे रही है वेस्टो मुंडो यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे आती हुई दिखाई दे रही है 75 पॉइंट के साथ। बट हाँ, एक चीज जो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा वो ये है दैट यहाँ पे हमने थाईलैंड देख लिया, ब्राजीलियन देख लिया, यूरोपियन देख लिया, इंडियन टीम्स की कमी जरूर महसूस हो रही है। एंड मैं उम्मीद करूंगा दैट अगली बार जब यहाँ पर FFWS जैसे बड़े बड़े टाइटल्स की बात हो तो इंडियन टीम्स भी यहाँ पे एटलीस्ट खेलें जरूर, अगर मौका मिलेगा तभी यहाँ पर पहुंच पाएंगे फॉर श्योर। बट अब अगले टॉपिक की बात करना कि जो हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है LOL यानी कि लीग ऑफ लेजेंड से एक नया प्लेबल कैरेक्टर हमें गेम के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है ऑलरेडी। एंड मैं यहाँ पे बता रहा हूँ दैट रायट ने फाइनली कुछ टीजर्स और लाइक तंग करने के बाद मैं कहना चाहूंगा अपने प्लेयर्स को फाइनली यहाँ पे बता दिया दैट बेलवेथ द गॉड ऑफ ओब्लिवियन आने वाले हैं, जो कि एक वाइड बेस्ड जंगलर होने वाले हैं टू हिट द समनर्स रिफ्ट। एंड डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है उन खिलाड़ियों को जो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज भी मांग रहे थे एंड अब शिफ्ट कर सकते हैं ऑन टू दिस न्यू कैरेक्टर। जंगलर रोल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिन्होंने लीग ऑफ लेजेंड्स खेला है उन्हें पता है कि यहाँ पे एक जंगलर का रोल कितना ज्यादा महत्व होता है। और जब नए कैरेक्टर आ रहे हैं तब कई सारे मेटा में चेंजेस आएंगे, बिकॉज एवरी टाइम अ न्यू कैरेक्टर इज इंट्रोड्यूस तो वहां पे उस कैरेक्टर के अराउंड स्ट्रेटजीज बनती है। एंड वो कैरेक्टर अगर एक जंगलर ही हो, एंड हम सबको पता है लेट गेम में जंगलर का काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितनी जल्दी वो लेवल अप करेगा उतनी जल्दी यहाँ पे लेटर, आई वुड से नॉट लेटर बट मिड गेम के अंदर आपको एडवांटेज देने का मौका मिलेगा। सो देखते हैं किस तरीके से इस नए कैरेक्टर के साथ यहाँ पे जो प्लेयर्स हमारे वो फेमिलियर होते हैं। बट अब आगे बढ़ेंगे अब यहां से और चलेंगे उस हॉट टॉपिक की बात करेंगे जिसको हमने बहुत दफा कवर अप किया यहाँ पे हमारे स्पोर्ट्स वाले एपिसोड्स में। वो टॉपिक रहने वाला है एपिक्स लेजेंड मोबाइल, जहां पे एपिक्स लेजेंड मोबाइल जो वो बीट कर चुकी है यहाँ पे बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया से भी ज्यादा डाउनलोड कर चुके हैं लोग इस गेम को। जस्ट लुक एट द क्रेज, जो कि पीसी पे इस गेम का था कम लोग जानते थे लेकिन तब भी गेम तो जनाब टॉप नॉच थी। और अब इस लेवल पे जब गेम आ चुकी है कि यहाँ पे इंडिया मार्केट बहुत बढ़िया तरीके से इस गेम को अडेप्ट कर रही है, कहते ना खुली बाहों से स्वागत कर रही है गेम का, हर एक मोबाइल के अंदर दिख रहा है। और मैं खुद यहाँ पर रैंक पुश भी शुरू कर चुका इस गेम के अंदर। अब यहाँ पर मैं हमेशा कहता हूँ दैट जनता ने तो अपना रोल निभा दिया, बट अब रोल अदा करना है तो डेवलपर को करना है। EA मस्ट मेक श्योर दैट यहाँ से आगे कैसे जाना है, कैसे प्रिकॉशियसली आपको मार्केट कैप्चर करनी है, बिकॉज देखिए जो फर्स्ट रिव्यू है वो तो ऑडियंस का बहुत अच्छा रहा है एंड काफी लोग मैंने देखा है रैंक पुश कर रहे हैं, जैसे आपने बताया आप खुद रैंक पुश कर रहे हैं। एंड यहाँ पर काफी लोग हैं जो ऑलरेडी शिफ्ट कर चुके हैं, स्ट्रीम्स भी मेरे को यहाँ पे यूट्यूब पे आती हुई देखने को शुरू करने को मिल गई हैं ऑलरेडी। एंड आई थिंक दैट यहाँ पर अब हमें कुछ टूर्नामेंट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं या कुछ अनाउंसमेंट्स भी होती हुई दिखाई दे रहे हैं दैट हमें कुछ एक डेढ़ महीने बाद कुछ एक टूर्नामेंट होने वाला है, सो दैट यू नो इंडियन मार्केट नोज दैट यहाँ पे अब हमें गैदर अप करना पड़ेगा, स्क्वाड अप करना पड़ेगा, टीम्स बनानी पड़ेंगी एंड हमें फाइट करने के लिए तैयार होना पड़ेगा, बिकॉज पहला ऑफिशियल टूर्नामेंट और पहली ट्रॉफी इट इज मैं कहना चाहूंगा प्राइज फॉरएवर, आपके पास एक सुविनर होता है दैट ये जब गेम लॉन्च हुई थी पहला ऑफिशियल टूर्नामेंट हुआ था और हमारे पास पहले ऑफिशियल टूर्नामेंट की ट्रॉफी यहाँ पे पड़ी हुई है। सो डेफिनेटली हम यहाँ देखना चाहेंगे दैट कुछ टीम्स बिल्डअप होती हुई एंड EA की तरफ से यहाँ पे बहुत जल्दी कुछ टूर्नामेंट्स की अनाउंसमेंट हो जाए तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा।
जी बिल्कुल। बट अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, जब हम इतनी बातें कर रहे हैं कि Apex जैसी गेम मोबाइल में आ रही है, Valorant जैसी गेम्स मोबाइल में आ रही है, Rainbow Six Siege का हमने यहाँ पे सुन लिया, एक गेम का टीजर देख लिया, तो इतना कुछ हो रहा है। मोबाइल गेमिंग मार्केट बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे ग्रो कर रही है। और अगर हम एक एनालिसिस और प्रेडिक्शन की बात करें, जो कि हमने यहाँ पे देखी थी लेटेस्ट रिपोर्ट जो कि मोबाइल गेमिंग मार्केट की तरफ से आई थी, तो वो बताती है कि $66.43 बिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी फ्रॉम 2021 to 2026। 5 साल के अंदर एक स्पेक्टेकुलर ग्रोथ हमें दिखने वाली है। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पे, जो हमें बता रहे हैं दैट 2018 से लेकर अब तक यहाँ पे कंज्यूमर्स ने, यानी कि प्लेयर्स ने, यानी कि आपने गेम्स के अंदर कितना स्पेंड किया है। तो 2018 की बात करना चाहेंगे तो यहाँ पे $55 बिलियन जैसी बड़ी अमाउंट दिख रही है जो यूजर्स ने यहाँ पे गेम्स के ऊपर खर्च किए हैं। बट दिस इज नॉट इट, $55 बिलियन सुनने में बहुत ज्यादा लग रहा है, बट अगर सरदार जी हम ग्रोथ की बात करें तो 2019 में $55 बिलियन की जो अमाउंट है वो $62 बिलियन पे पहुंच जाती है, 2020 में $62 बिलियन की अमाउंट $79 बिलियन पे पहुंच जाती है, और 2021 में इट इज अप टू $90 बिलियन 2021। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एंड अब 2022 में क्या आएगा वो हमें देखना पड़ेगा, एंड आई एम डैम श्योर इट इज गोइंग टू बी सरपासिंग 125 बिलियन फॉर श्योर। इतना पैसा कहां से आ रहा है डगला यहां पे इंडस्ट्री के अंदर कि आप मतलब इतना पैसा कंज्यूमर्स के पास है कि वो लगा रहे हैं, यू आर स्पेंडिंग दिस मनी। अब अगर इस हिसाब से देखेगा तो इफ द कंज्यूमर इज स्पेंडिंग दिस मच मनी तो ओवरऑल इंडस्ट्री की ग्रोथ कितनी ही होगी, रैपिडली होगी, और क्योंकि उस इंडस्ट्री की ग्रोथ का ये तो सिर्फ एक बोलूंगा ना एक चौथाई भी नहीं, उससे कम, मतलब ये एक पार्ट है सिर्फ, ये एक हिस्सा होने वाला है। सो जस्ट लुक एट दिस कि आप ऊपर से अगर एक नजर डालिएगा तो इंडस्ट्री किस स्पीड में ग्रोथ हो रही है, एंड दिस इज समथिंग वेरी गुड फॉर द इंडस्ट्री। इसके बाद आपके जितने भी हार्डवेयर्स आप यूज करते हो, सॉफ्टवेयर्स आप यूज करते हो गेमिंग के लिए, उसके बाद टूर्नामेंट्स बीच में आ जाते हैं, डेवलपर्स बीच में आ जाते हैं, उसके बाद स्पॉन्सर्स बीच में आ जाते हैं। तो ओवर एंड ओवर आई वुड से दैट मोबाइल गेमिंग मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट है, एंड आई सपोज दिस इज द ओनली रीजन दैट हर एक स्पोर्ट्स कीड़ा के एपिसोड में हम लोग, मेरे ख्याल से हर 2 एपिसोड के बाद तो हम लोग एक नई गेम के बारे में बताते ही हैं। अभी अभी हमने रिसेंटली बताया दैट R6 आ रही है, उससे पहले हमने बताया दैट यहाँ पे मॉडर्न वॉरफेयर या COD आ रही है, मतलब लाइक COD का मतलब एक पार्ट हमने यहाँ पे बात करा था, दैट मेनी मेनी गेम्स आर कमिंग डाउन इनटू द मोबाइल वर्जंस ऑफ देयर गेम। This is also gonna be the second episode. तो कहीं आप कुछ हिंट दे रहे हैं क्या कि आज भी हम किसी नई गेम की बात करेंगे, ऐसा कुछ? नई गेम मोबाइल डिवाइसेस पे वापस से लॉन्च होने वाली है। अब देखिए इतने बड़े बड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड डॉलर्स की जब हम बात करते हैं तो डेवलपर्स भी पीछे नहीं है, उनको पता है दैट पीसी जहां पे नहीं पहुंच रहा वहां पे मोबाइल तो भैया पहले से बैठे हुए हैं, तो मोबाइल पे क्यों ना गेम लेकर आई जाए। एंड इसी वजह से Apex आपने खुद बताया अभी दैट BGMS से ज्यादा डाउनलोड हो रही है, Valorant मोबाइल बहुत जल्दी आने वाली है, एंड एक और गेम अब जो आने वाली है दैट इज गोइंग टू बी NetEase ने यहाँ पे अनाउंस किया है दैट Naraka ब्लेड पॉइंट आने वाली है मोबाइल डिवाइसेस पे बहुत जल्दी, जो कि एक बैटल रॉयल गेम है, एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने रिलीज करी थी इसे यहाँ पे August 11, 2021 पे PCs पे, बट अब यहाँ पे आगे आने वाले हैं ये वाली गेम ऑन मोबाइल्स जस्ट बिकॉज ऑफ आवर अभी इससे पिछले वाला टॉपिक। देखिए हर एक इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ कब होती है, जब वहां पे डेवलपर्स की एंट्री होती है, जब कुछ नया होता है मोबाइल गेमिंग मार्केट में, वो नई गेम्स आ रही है, एंड एवरीवन इज काइंड ऑफ फोकसिंग ऑन द बैटल रॉयल गेम्स, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा अच्छी चीज है कि अब बैटल रॉयल गेम्स का क्रेज बढ़ रहा है। यहाँ पे प्लेयर्स समझ रहे हैं कि हाँ बैटल रॉयल गेम्स में मजा आता है, ये इन्वेस्टिंग, क्योंकि देखिए कुछ गेम्स होती है ओपन वर्ल्ड है, जैसे हमने GTA देखा, कोई एंड गोल नहीं, अनलेस यू आर डूइंग द मिशंस, बट जब आप बैटल रॉयल गेम्स की याद करते हैं तो आफ्टर स्पेंडिंग 20 मिनट्स 30 मिनट्स तक होता है कि एक एंड रिजल्ट आता है, वो एक एंड गोल आता है व्हेन यू आर बिकमिंग द चैंपियन, व्हेन यू आर गेटिंग द चिकन डिनर, व्हेन यू आर गेटिंग द पुया, तो वो एक वो सेटिस्फेक्शन के लिए ना, हमें यहाँ पे बैटल रॉयल गेम्स में टाइम इन्वेस्ट करना अच्छा भी लगता है, और इसीलिए यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी नई कंपनीज आ रही जो कि इन्वेस्ट कर रही है, बहुत सारी नई गेम्स लॉन्च हो रही है। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या इस गेम को भी खुली भाव से इस गेम का भी स्वागत करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं एक ऐसी गेम पे जिसका स्वागत तो यहाँ पे खुली भाव से किया गया था, लेकिन इंडिया में इस गेम को आने ही नहीं दिया गया, वाइल्ड रिफ्ट। हमने देखा था कि काफी ज्यादा बढ़िया ये गेम थी, अब इस गेम का हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपको एक और नया एडिशन दिख रहा है, जहां पे इस गेम के एक ई-स्पोर्ट्स की पूरी पूरी वेबसाइट ही लॉन्च कर दी गई है, जहां पे जो भी हमें हमारे यहाँ पे ई-स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट है उन्हें पता चलेगा कि क्या टूर्नामेंट्स आने वाले हैं, क्या नए एडिशंस होने वाले हैं। सो काइंड ऑफ कहते हैं कि अपनी ऑडियंस को हर एक चीज से रिलेट करने के लिए, हर एक चीज इन्फॉर्मेटिव रखने के लिए एक पूरी की पूरी वेबसाइट यहाँ पे लॉन्च कर दी। यहाँ पे आप अपने फैंस के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं, एंड इसी के साथ साथ आइकन 2022 यहाँ पे होता हुआ दिखाई देने वाला है, बहुत ही जल्दी जून 14 से जुलाई 9 में सिंगापुर में होने वाला है, 24 टीम्स यहाँ पे खेलने जाने वाली हैं फ्रॉम ऑल अराउंड द ग्लोब, एंड इट इज गोइंग टू बी द टाइटल ऑफ द वर्ल्ड चैंपियन, एंड
अगर हम वापस से पैसे की बात करेंगे तो सरदार जी, हम देख रहे थे मिलियन बिलियन से नीचे तो आजकल हम बात ही नहीं करते हैं, एंड इसका भी यहाँ पे प्राइस पूल हमें यहाँ पे $2 million देखने को मिलने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन अब यहाँ से हल्का आगे बढ़ते हैं, वापस आते हैं हमारी ऑल टाइम फेवरेट गेम की तरफ जो कि होने वाली है बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया यानी कि BGMI। BGMI ई-स्पोर्ट्स तरफ से कुछ लीक्स आ रही है रोस्टर चेंजेस की। रेवरेंट ने हाल वहीं यहाँ पे ऑस्टिन को फेयरवेल दिया और जब बात की गई मेजी से जो कि एनालिस्ट है टीम की, उन्होंने बोला कि एक सब म्यूचुअल डिसीजन, ऑस्टिन एंड टीम सबने बैठ के बात की ऑन अ वेरी गुड नोट। यहाँ पे टीम्स ने एक दूसरे के साथ आउट से यहाँ पे कनेक्शंस तोड़े, बट अगर बात करेंगे हम यहाँ पे रेवरेंट की तो एक नए प्लेयर को हम ट्राई आउट देता देख रहे हैं। स्काईलाइट्स में हमने सुना है कि वेक्सी काइंड ऑफ छोड़ते दिख सकते हैं, तो क्या यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप ऐड हो सकती है इन दोनों बीच, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अगर स्काईलाइट्स के वेक्सी छोड़ते और वो ऐड होता है रेवरेंट की लाइनअप के अंदर तो दिस वुड बी द ओल्ड स्कूल मेगा स्टार लाइनअप जिनको हमने यहाँ पे देखा था काफी बढ़िया तरीके से परफॉर्म करते हैं। BMPS और BMOC के बाद सरदार जी हमने देखा है दैट काफी ज्यादा फैंस के दिल टूटे हैं और काफी ज्यादा ओवरहॉलिंग परफॉर्मेंस आती हुई दिखाई दे रही है अंडर डॉग्स की, या आज आपकी भाषा में कहूं तो अंडर गॉड्स की। हमने देखा है दैट पुरानी जितनी भी लाइनअप्स हैं वो यहां पे नहीं पहुंच पाई हैं BMPS में एंड BMOC में, एंड डेफिनेटली इसी वजह से हमने बात करी थी एक पुराने एपिसोड में भी स्पोर्ट्स कीड़ा के, दैट यहां पे कुछ ना कुछ चेंजेस अब हमें जरूर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आते हुए देखने को मिलेंगे, जहां पे पुराने प्लेयर्स कुछ टूटेंगे, नई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेंगे, और ये भी हो सकता है दैट कुछ नई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे पुराने लाइनअप्स को उठाकर अपने लाइनअप में इंक्लूड करें, एंड इसी वजह से हमने यहाँ पे देखा दैट ऑस्टिन एक्स यहाँ पे छोड़ते हुए दिखाई दे रहे रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स। वेक्सी का आपने जैसे बताया दैट स्काईलाइट इस गेमिंग को छोड़ने का सीन, इट इज अ पॉसिबिलिटी फॉर श्योर, बट हाँ अगर ये वापस जाते हैं तो येट अगेन एन ओजी कमबैक इज गोइंग टू बी मेकिंग फॉर श्योर, जैसे कि आपने बताया दैट मेगा स्टार्स का लाइनअप यहां पे वापस से बनता हुआ हमें दिखाई दे सकता है, बट दिस इज नॉट इट। हो सकता है दैट हमारे आने वाले मैचेस के बाद हो सकता है दैट जो करंट लाइनअप्स हैं उनमें भी कुछ हमें चेंजेस देखने को मिले फॉर श्योर, बिकॉज़ हमने देखा है हमेशा दैट जब भी मेजर टूर्नामेंट चलते हैं एंड जब टीम्स की परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं आती है तो कुछ प्लेयर्स छटते हुए दिखाई देते हैं, कुछ एड ऑन्स होते हुए हमेशा दिखाई देते हैं। जी हाँ बिल्कुल, टोटली एग्री टू दिस। हमने देखा था स्काईलाइट्स गेमिंग जो कि BGS जीती थी, उन्होंने भी यहाँ पे अपनी टीम से डेस्ट्रो को फेयरवेल किया, तो जब विनर्स कर सकते हैं तो यू नेवर नो, जो टीम सेकंड थर्ड फोर्थ में है वो तो जरूर ही कर सकते हैं। बट चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे आज के दिन के अगली न्यूज की तरफ जो कि हमारे स्काई स्पोर्ट्स सुविनियर लैंड अगेन। स्काई स्पोर्ट्स का सुविनियर मुंबई में हुआ था, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स काफी बढ़िया तरीके से जीती दिखी थी, बट आई थिंक द इवेंट वॉज अ ग्रेट सक्सेस। अब ये सुविनियर की बातें हो रही है कि वापस होता दिखेगा और इस बार इट कुड बी हेल्ड इन द सिटी ऑफ हैदराबाद। यस इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी हैपनिंग। स्काई स्पोर्ट्स ने ट्वीट किया है यहाँ पे दैट इट इज नो लीक्स, इट इज ऑफिशियल, गेट रेडी फॉर स्काई स्पोर्ट्स सुविनियर हैदराबाद कमिंग सून। डेट समय नहीं पता है अभी, कौन सी टीम आने वाली है नहीं पता, कितना लंबा टेन्योर होने वाला नहीं पता, कौन से मंथ में होने वाला ये भी नहीं पता, बट हाँ डेफिनेटली यहाँ पे स्काई स्पोर्ट्स का सुविनियर होने वाला है। हमें पता है दैट काफी रीजन से इन टीम्स लेकर आना था यहाँ पे, जैसे कि हमने स्काई स्पोर्ट्स का पहले ही इस साल का जो पूरा मेमोरेंडम है वो पढ़ा था। सो मुंबई का हो गया सुविनियर, अब हैदराबाद की बारी है, इसके बाद कहाँ पे होगा That is a question mark. But for sure, यहाँ पे बहुत ज़्यादा welcome किया था society ने, gaming community ने यहाँ पर, and अब भी और ज़्यादा bigger event हम expect कर सकते हैं Sky Sports की तरफ से। जी हाँ बिल्कुल, बट इसी के साथ चलते हैं आज के दिन की आखिरी न्यूज की तरफ जो आने वाली है one of my favorite games, Call of Duty की तरफ से। Call of Duty Modern Warfare 2 might be आपको अभी के लिए I would say एक अल्फा टेस्ट के अंदर अगस्त में आती देख सकती है टकीला। Modern Warfare 2 अल्फा टेस्ट में होने वाली है अगस्त में, एक ट्वीट हमें आता हुआ दिखाई दिया है, येट अगेन एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन ट्वीट्स, और यहाँ पे डेवलपर्स की तरफ से ट्वीट आया है दैट मॉडर्न वॉरफेयर 2 न्यूज जून 8 को रिवील ट्रेलर आने वाला है, जून 9 को कैंपेन शोकेस ऑन समर गेम्स फेस्ट बताने वाले हैं ये, और उसके बाद अर्ली अगस्त में MW2 अल्फा रिलीज होने वाला है। बीच में एक नीचे से छोटा सा और भी लाइन लिखा उन्होंने, हु इज एक्साइटेड क्वेश्चन मार्क, मतलब हु वोंट बी एक्साइटेड ये लिखना चाहिए आपको यहाँ पे, बिकॉज मॉडर्न वॉरफेयर 2 MW मॉडर्न वॉरफेयर खुद में एक बहुत बड़ा ब्रांड, इट इज गोइंग टू बी हेल ऑफ अ शो फॉर श्योर, बिकॉज मॉडर्न वॉरफेयर 1 नहीं मॉडर्न वॉरफेयर 2 आने वाली है, बहुत ज्यादा मजा जरूर आने वाला है गाइस। आप लोग कमेंट्स में बताइए दैट हाउ मच एक्साइटेड यू आर एंड फॉर व्हाट, हमने जितने भी टॉपिक्स आज कवर किए उसमें से आप किसके लिए एक्साइटेड हैं, और अगर हमें कुछ बताना चाहते हैं यहाँ पे, आप हमारे सूत्र बनना चाहते हैं और आपके पास कुछ वैलिड प्रूफ्स के साथ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन या कुछ ऐसी लीक या कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी है जो आप शेयर करना चाहें और आप चाहें दैट हम लोग उसको पब्लिश करें अपने अगले एपिसोड में, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइस DM स्पोर्ट्स की ऑन इंस्टाग्राम विद योर वैलिड प्रूफ एंड डेफिनेटली हम आपको क्रेडिट जरूर देंगे। तो इसी के साथ आ चुके हम आज के दिन के एपिसोड के भी अंत पे, आई होप कि आपको भी आज का दिन का एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, मिलेंगे आपको वापस से एक और नए वीडियो के लिए, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड पीस आउट।
Hey guys, this is Mortal here. Hi guys, this is Venom. Hi, I'm Scout. Hi, this is Oshin Sharma. And if you want to know all the insights, all the depths for all the esports updates, if you want to get updates about esports, you keep on following, keep on supporting. Do follow Sports Kira. Thank you so much, Sports Kira. Keep on following, keep on supporting Sports Kira for all the updates. Thank you. Bye bye.